मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। एक तरफ तो कोरोना संकट की वजह से कारोबार, नौकरी, धंधा, बाजार ठप पड़ा है, तो दूसरी तरफ अब महंगाई की चौतरफा मार पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का असर अब दूसरे आइटम्स पर भी नजर आ रहा है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने का हवाला देते हुए कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा रही हैं। खाने के तेल से लेकर दाल, सब्जियां, गैस सिलेंडर, दूध जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम जनता महंगाई की मार से कराह रही है। वहीं थोक महंगाई दर मई में बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर 12.94% पर पहुंच गई। पिछले कुछ महीनों में देखा गया है कि रिटेल महंगाई के मुकाबले थोक महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कुल मिलाकर आम आदमी महंगाई की चौतरफा मार से परेशान है, लेकिन सवाल एक ही है कि कब तक इस महंगाई से लोगों को राहत मिल पाएगी। तो लगातार जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ती महंगाई की वजह से जनता परेशान है। विपक्ष की ओर से भी कई बार विरोध दर्ज किया गया, आम जनता भी विरोध दर्ज कर चुकी है, लेकिन अकेले विरोध दर्ज करने से क्या होगा, सरकार को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। राज्य सरकारों से सवाल किया जाता है तो केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी जाती है और केंद्र सरकार सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के दाम बढ़ रहे हैं इसका हवाला दे देती है, लेकिन जनता आखिर किससे सवाल करे, ये सबसे बड़ी बात है। रोजगार है नहीं, बेरोजगारी की स्थिति है, कितने ही लोगों की नौकरी जा चुकी है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। आमदनी लोगों की कम हो चुकी है, खर्चा इतना ज्यादा है कि जनता आखिर किस तरीके से उस खर्चे का वहन करेगी, घर का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, आर्थिक तौर पर स्थिति इतनी ज्यादा नाजुक है, कितने ही लोगों की नौकरी जा चुकी है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, ऐसे में जो बुनियादी जरूरतें हैं वो भी आम जनता की पूरी नहीं हो पा रही है। तो चलिए अब अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ करा देती हूँ। बढ़ती महंगाई पर आज हमारे साथ हमारे सहयोगी होंगे जितेंद्र शर्मा, भोपाल से हमारे साथ रहेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी से प्रकाश मीरचंदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही कांग्रेस से आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र आपके पास आते हैं और उसके बाद प्रकाश मीरचंदानी जी मैं आपके पास आऊंगी। जितेंद्र, क्या कह रही है मध्य प्रदेश की जनता, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, दाल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, दूध महंगा, गैस महंगी, जनता पर हर तरफ से मार। बिल्कुल, देखिए अगर आपको जनता की आवाज़ सुनना है तो आपको पेट्रोल पंपों पर पहुंचना पड़ेगा, आपको बाज़ारों में पहुंचना पड़ेगा और आपको उन तमाम चीज़ों पर पहुंचना पड़ेगा जहां पर रोज़मर्रा की जो सामान है जनता खरीदती है। चारों ओर ऐसा लग रहा है कि हाहाकार बचा हुआ है। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान तैयार नहीं किया जा रहा है, वो कहना कि जनता के लिए आक्रोश बन रहा है। क्योंकि लगातार आपने देखा है कि 107 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल राजधानी भोपाल में बिक रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल के रेट इसी तरह से हैं। कई जगहों पर तो डीजल के रेट भी 100 रुपये तक पहुँचने वाले हैं और कुछ जगहों पर तो पहुँच भी गए हैं। साथ ही साथ चाहे दाल की बात करें, चाहे तेल की बात करें, चाहे दूध की बात करें या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग में आने वाली तमाम वस्तुओं की बात करें, सभी तरफ महंगाई का डबल अटैक पड़ा हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब जनता के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसे में सवाल उठता है मध्य प्रदेश की सरकार पर और केंद्र की सरकार पर कि मध्य प्रदेश में जहाँ सरकार डीजल और पेट्रोल पर 31 रुपये वेट लगाती है और 4 रुपये सरचार्ज लगाती है, उसके बाद अगला जो टैक्स लगता है वो केंद्र सरकार का लगता है जो एक्साइज ड्यूटी के नाम से लगता है, तो ऐसे में पेट्रोल का जो टैक्स है वो तो सबसे ज़्यादा तो सरकारें ले जाती हैं, उसके बाद जो बचा कुचा बनता है उसमें से जो पेट्रोल पंप संचालक होता है उसके 2 रुपये हर लीटर पर होते हैं, तो ऐसे में जनता तो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्योंकि सरकार को अगर वोट किया था तो इसलिए किया था कि सरकार आएगी और जनता के बीच में जनता के लिए खुशहाली लाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बढ़ती महंगाई ने जनता की तमाम कोई भी सरकार जिसे हम चुनेंगे वो हमारी मदद करेगी, क्योंकि वादे इसी तरीके के किए जाते हैं, लेकिन जब वो वादे जब चुनाव जीतकर आ जाते हैं तो पूरी तरीके से खोखले साबित होते हैं। जितेंद्र, लौटूंगी आपके पास। प्रकाश मीरचंदानी जी, क्या यही है आम आदमी के अच्छे दिन? जी देखिए गुंजन जी, जितेंद्र जी का भी वक्तव्य सुन रहा था, मुझे निश्चित रूप से उनके ऊपर भी थोड़ा सा असर दिख रहा है महंगाई का। निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल की जो अभी कीमतें बढ़ी हैं, निश्चित रूप से वो बढ़ी हैं, उसका असर तो आम आदमी पे आ ही रहा है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन इसके पीछे में एक जो सत्य है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी ने भी रेट नहीं बढ़ाए। ये रेट बढ़ाए हैं केवल और केवल ऑयल कंपनियों ने।
ऑयल कंपनियों को स्वायत्तता मनमोहन सिंह सरकार यूपीए 2 गवर्नमेंट देके गई थी। या तो अब ये होगा कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस भी उसका साथ दे तो इस पे पार्लियामेंट के अंदर विचार हो और ये चीजें वापस करी जाएं, एक उपाय ये हो सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है जो डीजल पेट्रोल की जो हाइक है उसमें भी मैं बोलूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पेट्रोल डीजल के लिए जो ऑयल बॉन्ड निकाले थे वो ऑयल बॉन्ड भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आज के समय में क्रूड के जो भाव बढ़े हैं, कच्चे तेल के जो भाव बढ़े हैं उसके कारण, और प्लस तीसरा कारण था क्रूड का और दूसरा कारण था ये जो ऑयल बॉन्ड जो बनाए थे कांग्रेस सरकार ने, ये उसके कारण से भी ये जो ऑयल कंपनी है उनको रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि वो पैसा भी ऑयल कंपनियों को वहीं से ही देना पड़ रहा है ऑयल बॉन्ड के जो कांग्रेस सरकार ने उस समय चलाने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए जो निकाले थे। तो ये सारी समस्याएं एक साथ अभी इस समय पर आ गई हैं। आप जो देख रहे हैं ओपेक के देशों में तमाम युद्ध चल रहे हैं और तमाम वहाँ पर सप्लाई प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार ने कहीं कोई रेट नहीं बढ़ाया है डीजल पेट्रोल का और न केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। अब चूंकि ऑयल कंपनियों को स्वायत्तता है इसीलिए उनको अपने खर्चे के अनुसार या उनको जो पैसा देना है या उनकी जो देनदारी है उसके आधार पर वो अपने रेट बढ़ा रहे हैं और इन रेट बढ़ाने का असर निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन मजबूरी है इसलिए रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि पैसा भरना है। आम जनता की मजबूरी कौन समझेगा सर, ये बताइए। सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं क्या, दाल के दाम नहीं बढ़े, गैस के दाम नहीं बढ़े, दूध के दाम नहीं बढ़े? देखिए गुंजन जी मैंने कहा ना, आप सुनिए ना, मैंने कहा ना कि निश्चित रूप से बढ़े हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या? आज अगर इस कारण को खत्म करना है तो अब पार्लियामेंट में ये बिल लाया जा सकता है और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के दल तैयार हो जाएं, ऑयल कंपनियों की स्वायत्तता खत्म कर दें अगर पार्लियामेंट में और कांग्रेस उसमें सहयोग करे तो निश्चित रूप से उस पर सब्सिडाइज शुरू हो जाएगा और जो है ऑयल सरकार के ऑयल के जो रेट पे डीजल पेट्रोल के रेट है वो सरकार के हाथ में जाएंगे। ये जो चीज़ थी, ये विकासशील देश जितने भी हैं, जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, या उन सारे देशों में यही व्यवस्था थी जो यूपीए 2 गवर्नमेंट करके गई थी, मनमोहन सिंह सरकार करके गई थी। ठीक है सर, मान लिया, उसके कारण से वो व्यवस्थाएं लगातार अभी तक चली आ रही हैं, हाथ में नहीं है। और आप जो सजेशन दे रहे हैं उसका जवाब भी मैं आनंद तारण जी से मांगूंगी, ठीक है? लेकिन आप मुझे बताइए, एक्साइज ड्यूटी तो आपके हाथ में है, वेट तो आपके हाथ में, उसमें कुछ रियायत नहीं दी जा सकती क्या? मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। देखिए दी जा सकती है तो फिर उसके बाद विकास प्रभावित होने लगेंगे। विकास कार्य चाहिए हमको भी और हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, हमें सड़कों की कनेक्टिविटी गांव ग्रामीण इलाकों तक चाहिए, हमें पीने का शुद्ध जल चाहिए, हमें शिक्षा स्वास्थ्य और सारी व्यवस्थाएं चाहिए, आज इंटरनेट भी चाहिए, वाईफाई भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। अगर हमको पीछे की सदी में जाकर जीतना है तो आज इनको सबको ये जो मुफ्त की रेवड़ियां, सर आगे तो बढ़ना ही है, आपको भी बढ़ना है, जनता को भी बढ़ना है, लेकिन जब खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं तो कैसे जनता बढ़ेगी, आप मुझे ये बताइए ना सर। तो बुनियादी चीजें हैं जिनके दाम बढ़ रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा, इसका कोई और रिसोर्स भी निकाला जा सकता है? गुंजन जी इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही कि आप खाली मत बैठिए, अपने अपने स्तर पर जहाँ जहाँ जो है व्यक्ति आत्मनिर्भर होए और अपना अपना काम करे ताकि उसका जनरेट पैसे का सोर्स जनरेट हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो पीछे 70 साल से मुफ्त खोरी का जो विषय चला के गई कि हम सब चीजें मुफ्त में दे देंगे, देश भला चला गिरवी में चला जाए, या हम ऑयल बॉन्ड निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, ये सारी चीजें, भले आपको बिजली नहीं मिले, पानी नहीं मिले, स्वास्थ्य ना मिले, आप शिक्षा ना मिले, आप आगे ना बढ़ सको, अगर उस जीवन में जीना है तो वो तो हम इसके लिए तैयार नहीं है और जनता भी उस बात के लिए तैयार नहीं है, जनता ने इस बात के लिए हमें मैंडेट नहीं दिया। ये केवल और केवल कांग्रेस ने जो गलत आदतें इस देश में लगाई है जिसके कारण देश पिछड़ रहा था, आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं। ये टैक्स 1.2% लोग केवल इनकम टैक्स देते हैं क्या? 1.2% लोगों के इनकम टैक्स से देश की प्रगति हो सकती है क्या? सर सारी बातें ठीक है लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, क्या ये जब आप विपक्ष में थे तो क्या आप ये समझ नहीं पा रहे थे चुनावी मुद्दा तो महंगाई बहुत बनाया आपने? हमको क्या पता? नहीं देखिए मेरी बात सुन लीजिए, तब पैसा कहाँ जा रहा था? भ्रष्टाचार में जा रहा था। आज भ्रष्टाचार का एक मामला भी है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ऊपर,
तो ये सारी चीजें भी अब मद्देनजर, और तब तब कहा था कि हर जिले में देखिए, मैं तो इतना जानती हूँ आम जनता के तौर पर, जनता सिर्फ या शिक्षा सरकार से ही कर सकती है, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है, सिर्फ जनता सरकार से ही उम्मीद कर सकती है। अब आप अपनी बात को विपक्ष के पाले में डाल देंगे, केंद्र के पाले में डाल देंगे, तो आम जनता फिर किसके पाले में डालेगी ना सर, आप ही से तो कहेगी ना। नहीं नहीं विपक्ष नहीं 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 ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास इस सवाल का भी, मैं आऊंगी आपके पास, आनंद तरंग जी से भी मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। प्रकाश मीर चंदानी जी, लौटूंगी मैं आपके पास। आनंद तारण जी, आपने सुना प्रकाश जी को, पहले तो उनकी सभी बातों के जवाब दे दीजिए, फिर कुछ सवाल आपसे मेरे को भी पूछने हैं। राष्ट्रीयता की बात करना, रोटी कपड़े की बात करना, अरे भाई 2014 के पहले कहां थे आप लोग, जब कांग्रेस की सरकार में डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट 60 रुपए थे 65 रुपए थे, तब आप बोलते थे हमारी सरकार बनेगी तो हम 30 रुपए कर देंगे। उस समय समझ में नहीं आ रही थी ये बातें, जो आज बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, केवल और केवल जनता को गुमराह करने से। आज लोगों के लिए खाने की दिक्कत है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज पेट्रोल का दाम 110 रुपए हो गया, डीजल 100 रुपए हो गया, इनको शर्म आने चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं ये, और राष्ट्रीयता की बात करते हैं, छदम राष्ट्रवादी लोग आज राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, लोग परेशान है, और इसके बाद इस तरह की बातें करना निश्चित रूप से जनता के साथ कुठारा रात है, जनता की भावनाओं के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी के सच्चिदानंद का चेहरा है, ये इनका कहना कुछ, करना कुछ, बताना कुछ, दिखाना कुछ, और है कुछ निश्चित रूप से। आप जनता बदलाव के मूड में है, आप नरेंद्र मोदी की बातों में कोई नहीं आने वाला, कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी, कहाँ है 15 लाख रुपया, कहाँ है काला धन, आज ये सब चीजें सामने खड़ी है समस्याएं। और आज तो जो सारे सवालों के जवाब मैं लूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए केंद्र के अलावा क्या राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? चले क्यों नहीं है, केंद्र की जवाबदारी भी है और राज्य सरकारों की जवाबदारी। आज किस तरह, ठीक है, केंद्र को लेकर भी हम जवाब पूछेंगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है उसको लेकर भी जवाब पूछेंगे, छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है ना सर, वहाँ कुछ बदलाव क्यों नहीं हो जा रहा है? देखिए आज अगर डीजल पेट्रोल किसके हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में, अगर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो हर चीज के रेट तो बढ़ेंगे, तो आपके हाथ में ना डीजल पेट्रोल पर, बैठ तो आपके हाथ में है गुंजन जी, गुंजन जी सब कुछ हमारे हाथ में, लेकिन डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं, जब 135-140 रुपए मूंग ऑयल का रेट था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब हमारे यहाँ 60-65 रुपए था, और आज क्या रेट है 70 रुपए, तो कहाँ है रेट, कहाँ जा रहा है ये पैसा, किस तरह की बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जो राज्य सरकार है कांग्रेस की सरकार है उनके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं ये लोग, और उनको कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं। ये केंद्र सरकार के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ कि जो कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकार है जहाँ जहाँ है वहाँ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है, उन्हें सहयोग नहीं कर रही है, उन्हें किसी भी तरह से निराश कर रही है, उनके साथ सकारात्मक रुख है, और अगर अगर ये सब चीज सकारात्मक होता तो निश्चित रूप से हम हर चीज में रेट कम करते, लेकिन जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो फिर क्यों नहीं यहाँ पर रेट कम हो रहा है? यहाँ आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेट है डीजल पेट्रोल के रेट, आज पेट्रोल 110 रुपया है। अरे सर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेट है उसको लेकर मैं सवाल पूछूंगी ना सर, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है वहाँ क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है? मैंने मैंने आपसे क्या बोला गुंजन जी, छत्तीसगढ़ में रेट मध्य प्रदेश से कम है, और तो सर कोई कंपटीशन है क्या, आप मुझे बताइए कोई कंपटीशन है? राजस्थान देख लीजिए फिर आप, एक मिनट राजस्थान देखिए, राजस्थान की बात कीजिए। हाँ राजस्थान में छत्तीसगढ़ में दोनों जगह मध्य प्रदेश से डीजल और पेट्रोल के रेट कम है। सर एक दूसरे के पाले में गेंद डालने से कुछ नहीं होगा, जनता के बारे में सोचिए तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रकाश मीर चंदानी जी, ठीक है आनंद तारण जी लौटूंगी, जवाब दीजिए पहले तो आनंद तारण जी की बात का। जी देखिए, इनने जो प्रवचन किया है उस प्रवचन के जिम्मेदार ये स्वयं खुद ही हैं। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाना, जो ये सफ़ेद झूठ है। इन्होंने ही ऑयल कंपनियों को स्वायत्तता दे के गए कि वो अपने मन माफिक अपने नफे नुकसान के हिसाब से रेट बढ़ा सके, उनको स्वायत्तता मनमोहन सिंह सरकार, कांग्रेस की सरकार करके गई थी। आज जितनी भी बातें कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हमसे ज़्यादा टैक्स है,
छत्तीसगढ़ में हमसे ज़्यादा टैक्स है, राजस्थान में हमसे ज़्यादा टैक्स है, पंजाब में हमसे ज़्यादा टैक्स है, चाहे तो आप नेट पर सर्च कर सकती हैं। क्या इनको जितनी भी बातें मध्य प्रदेश को कोसने के लिए इनको आती हैं, तो क्या ये उन राज्यों से जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ये पूछते हैं क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी हाइक है, ये जो दरें बढ़ी हैं ये टेम्परेरी है। आज अगर जो खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है वो जैसे ही स्थिर होता है, उसके बाद अगर तेल पेट्रोल डीजल की क्रूड ऑयल की जो सप्लाई एकदम से जो बढ़ेगी, उसके बाद ये निश्चित रूप से रेट आएंगे, कम आएंगे। इन्होंने ही तो ऑयल बैन निकाला था ना, आप उन लोगों के बारे में सोचिए ना। नहीं सर, मान भी लिया, चलिए टेम्परेरी है, आप उन लोगों के बारे में सोचिए ना जो दो वक्त की रोटी जैसे तैसे करके कमाते हैं। मैं मान रहा हूं टेम्परेरी सिचुएशन भी उनके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? निश्चित रूप से आपकी बात सही है। देखिए 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 मेरी बात सुन लीजिए गुंजन जी, कांग्रेस की सरकार में 180 रुपए किलो तेल बिका है, 160 रुपए किलो दाल बिकी है, अभी वो कोई स्थिति नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े थे मनमोहन सरकार में, तब आप सड़कों पर भी आ गए थे सर। 80-90 रुपए दाल है, तब आप सड़कों पर भी आ गए थे सर। सुन रही हूँ मैं आपको बराबर, मेरे सवालों के भी जवाब दीजिए। विपक्ष का काम का था हमारा उस समय निश्चित रूप से, और आज भी सुनिए ना, अरे मैं आपको रेट भी बता दे रहा हूँ आपको सारी। जो आप जो बोल रहे हैं कि खाद्य सामग्रियों के रेट बढ़े, ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस पार्टी की यूपीए 2 की गवर्नमेंट 2013 और 12 के रेट उठा के आप देख लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए और आज के रेट सर्च कर लीजिए, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। आज इतनी विपरीत परिस्थिति केंद्र सरकार की रही है, राज्य सरकार की है आर्थिक रूप से, उसके बाद भी आज जनता को राहत देने के लिए दोनों सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भरकस प्रयास कर रही है, और कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई भूखा नहीं रहने दिया जा रहा है। आज कोरोना काल में जितनी व्यवस्था शिवराज सरकार ने करी उतनी तो किसी ने आज तक नहीं करी। इसको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए, इतनी व्यवस्था किसी ने नहीं की। नहीं रहे, सरकार काम भी कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है, एमपी सरकार भी काम कर रही है, लेकिन आप मुझे बताइए, मेरा सवाल सुनिए सर, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या राशन का चावल देने से, गेहूं देने से घर में खाना बन जाता है? नहीं नहीं, देखिए आपकी बात गुंजन जी बहुत बारान है, सही है, लेकिन ये भी हमारी बात भी सही है कि आज राशन तो मिल रहा है, कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं सो पा रहा है। हाँ, सब्जियाँ या बाकी जो छोटी मोटी जो अन्य सामग्रियाँ और चाहिए जिसके दाम बढ़े हैं, हम उसके लिए इनकार नहीं कर रहे हैं, हम उसको भी कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अन्य अन्य तरह से शिवराज सरकार पूरी, उनके शिवराज कैबिनेट जो है पूरी ताकत लगा रहा है। आज हमारे जो खाद्य कृषि मंत्री कमल पटेल जी, सारे किसानों को राहत देना और गरीबों को राहत देना, खाद्य मंत्री, ये सारे लोग लगे पूरी ताकत के साथ। आज कोरोना महामारी से मध्य प्रदेश सबसे पहले जीत कर आज नंबर वन पे खड़ा है। आज मात्र 40 लोग कोरोना महामारी के पीड़ित है पूरे मध्य प्रदेश में, केवल 40। आज ही मुझे बताइए, ये सारी चीजों के लिए का पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती है? हम अगर कहीं से कर्ज लेते हैं तो ये कह रहे हैं कि साहब कर्ज क्यों लिया जा रहा है, इतना कर्ज ले लिया उतना कर्ज। आज सरकार अगर विकास कार्य कर रही है तो ये विकास कार्यों की सराहना करने की बजाय नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अरे भाई, सरकार जो आप लोगों ने काम नहीं किए थे, जिनके कारण से सड़कों का जाल खत्म हो गया था, आज बिजली नहीं थी, कार्यकाल को याद किए, आपको चुनाव गर्मी भीषण गर्मी पड़ती थी, अगर उन्होंने काम नहीं किया तभी तो जनता ने आपको चुना, आपके चुनने तो के बाद एक उम्मीद थी ना आपसे सर। विकास कार्यों के लिए देखिए, विकास का गुंजन जी बिल्कुल तो है ना, अभी भी उम्मीद है, आज हम कर तो रहे हैं पूरी ताकत के साथ, चीजों को कंट्रोल में कर रहे हैं। आज अगर जिस तरीके की भयावह स्थिति है, बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, वैक्सीनेशन पर भी काम कर रही है, विकास कार्यों पर भी काम कर रही है, लेकिन सर कहीं ना कहीं महंगाई की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। वैक्सीनेशन के मामले को लेकर कितनी राजनीति कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल सर, लौटूंगी। जितेंद्र लगातार बने हुए हैं, जितेंद्र, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना, आम जनता की स्थिति आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता नहीं समझती कि हमारे पास खजाने की कमी है या फिर हमें क्या दिक्कत है। जनता को जब लगता है कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया इसलिए नई सरकार को चुना जाता है और बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार चुनी जाती है, लेकिन जब उम्मीदों पर जो जनप्रतिनिधि हैं सरकारें खरी नहीं उतरती हैं तो जनता को भी तकलीफ होती है, क्योंकि जनता के पास और कोई चारा बचता नहीं है। हाँ बिल्कुल गुंजन, देखिए दोनों प्रवक्ताओं को मैंने सुना है, लेकिन तमाम चीज़ों में एक बात तो साफ निकल कर आती है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो,
ऐसा लगता है कि दोनों ने ही जनता को छला है और दोनों ने ही जनता को ठगा है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी तो कहा गया था कि 5 रुपये कम किए जाएंगे डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में, लेकिन कम नहीं किए गए, उल्टा बढ़ा दिए गए। बीजेपी सरकार ने उसका विरोध किया था, लेकिन यहाँ पर जैसी सरकार बदली उसके बाद से लेकर अभी तक डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी नहीं की गई। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जो वेट है वो प्रदेश में लगाया जाता है, जिसके ऊपर 4 रुपये सरचार्ज अतिरिक्त लगाया जाता है, जो कहीं ना कहीं डबल हो जाता है। और ऐसे में जब केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी लगता है तो वो कहीं ना कहीं जनता पर डबल अटैक करता है महंगाई का। चाहे कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस को भी आपने शुरुआत में देखा था जब कमलनाथ सरकार रही थी, उस दौरान भी डीजल और पेट्रोल को लेकर सरकार आने से पहले उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें साफ तौर पर लिखा था कि 5 रुपये डीजल और पेट्रोल पर हम कम करेंगे। सरकार बनी लेकिन 5 रुपये तो कहाँ चले गए, कहाँ गायब क्यों हुए, किसने कम किए, किसी को पता नहीं चल पाया। बीजेपी की सरकार बाद में बनी लेकिन उसने भी डीजल पेट्रोल की कीमतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज की तारीख में ऐसा है कि अगर हम लोग भी अगर डीजल पेट्रोल के टैंक पर जाते हैं या वहाँ पर जनता से बात करते हैं तो जनता के अंदर सिर्फ आक्रोश भरा रहता है सरकारों के प्रति, और यही कहता है कि ऐसा लगता है कि सरकारों ने सिर्फ ठगा है। अगर चलिए कांग्रेस ने काम नहीं किया था, 5 रुपये डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं किए थे, तो बीजेपी सरकार चाहे तो वो उसको कर सकती है, 5 रुपये डीजल पेट्रोल में अपना वेट कम कर सकती है। 5 रुपये डीजल पेट्रोल के वेट कम करने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार भी अपने आसानी से डीजल पेट्रोल का जो वेट है वो कम करेगी और जनता पर भी जो भार है वो नहीं पड़ पाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वही सब कुछ है और उसी से जनता के पैसों को निकाल कर दोनों सरकारें अपना अपना काम करना चाहती हैं, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, पूरे देश के अंदर इस समय यही स्थिति है कि आखिर ये जो डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं वो कम कब होगी। दाल की हम यहाँ बात करें, तेल की कीमतों की हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है तो ऐसे में जो भाड़ा है पहले कम लगाया जाता था आज ज़्यादा लगाया जा रहा है। सब्जी मंडी में जब जाकर हम लोगों से बात करते हैं, व्यापारियों से बात करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि पहले जो भाड़ा देना पड़ता था उससे ज़्यादा भाड़ा दिया जा रहा है, जिसके चलते जो रेट हैं वो ज़्यादा बढ़े हुए हैं। उधर पर अगर आप बात करें जनता से तो जनता तो सिर्फ आक्रोशित नज़र आती है, चाहे वो सरकारों के प्रति हो या फिर तमाम जनता को ये नहीं मालूम कि तेल कंपनियाँ क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। जनता ने मैंडेट दिया है, जनता ने अगर विधायक बनाया या मंत्री बनाया या मुख्यमंत्री बनाए, सरकार बनाई है, तो आपकी बनाई है, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आखिर क्या करना है आगे जनता के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आप तेल कंपनी पे डाल दें, कांग्रेस पे डाल दें, कांग्रेस बीजेपी पे डाल दें, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, उसको निभानी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रकाश मीर चंदानी जी, मैं आऊंगी आपके पास। जून तक का आंकड़ा है मेरे पास, 6 महीने में पेट्रोल 15 रुपए 57 पैसे, डीजल 16 रुपए 25 पैसे महंगा हुआ है। सिर्फ जून की बात कर लेना सर, तो 4 रुपए से ज्यादा महंगा पेट्रोल हो गया है। अब आप मुझे बताइए, जब इतनी तेजी के साथ महंगाई बढ़ेगी तो क्या करेगी जनता? देखिए, निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने रेट नहीं बढ़ाया है सर, एक ही बात कहने से बार बार नहीं होगा ना, केवल और केवल ऑयल कंपनियों को जो स्वायत्तता है उसकी परिणति है। अरे सर, नहीं, दूसरी बात सुन लीजिए ना, लेकिन कम भी तो नहीं किए। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरा आप भी जो आपके मॉनिटर पे सुनिए, तो आपके चैनल के स्क्रीन पे, आपके चैनल के स्क्रीन पे जो रेट चल रहे हैं फूड्स के, वो कंपैरिजन कर लीजिए मनमोहन सिंह सरकार और मोदी सरकार के रेटों में कंपैरिजन कर लीजिए। महाराष्ट्र से हमारे यहाँ, मध्य प्रदेश में अभी भी, राजस्थान और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और पंजाब से हमारे यहाँ खाद्य सामग्रियों के रेट अभी भी कम है, 20% देखिए भारतीय जनता पार्टी झूठ झूठ और झूठ का बोलता है। अरे भाई, जब तुम सत्ता में आए थे तब क्यों बोले थे कि हम 30 रुपए में देंगे, और आज बार बार बोल रहे। अरे अगर चुनाव हो रहे थे तो इससे रोक रहे थे रेट, जब चुनाव हो रहे थे, बंगाल के चुनाव हो रहे थे, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, तब रेट स्थिर थे, और जैसे ही चुनाव समाप्त हुए रेट बढ़ाना चालू कर दिए। किस तरह के झूठ का पूरा आज जनता त्राही मान कर रही है, पूरे प्रदेश की और पूरे लाइन आदर बहुत खराब है प्रदेश में, लड़कियों की अस्पताल लौट रही है, बेटियों की अस्पताल लौट रही है। अनंतारण जी की बात में, जिस वक्त चुनाव होने थे ना, दाम स्थिर हो गए थे, तब दाम नहीं बढ़ रहे थे, और यही तो समझ में नहीं आता है कि आखिर तब क्यों नहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते हैं। ठीक है, वक्त इतना ही था मेरे पास। प्रकाश मीरचंदानी जी आपका भी शुक्रिया, अनंतारण जितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकारों को अब समझने की जरूरत है, जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता के पास बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है सिवाय झुंझलाहट के, गुस्से के और एक उम्मीद के कि सरकार अब जाकर तो अच्छे दिन लेकर आएगी। सरकार ये समझेगी कि आम जनता परेशान है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।